विश्वस्त बन जाएगा, सुखवर्षक हो जाएगा। तो द्वेष को हटाओ। तो द्वेष क्या है बता दिया। द्वेष क्यों होता है? जब कोई व्यक्ति प्रतिकूल चलता है तो उसे द्वेष होता है। और द्वेष कैसे प्रकट में आता है, अपने स्वरूप में कैसे आता है? बस ऐ हट जाए मेरे पास से, उसको देख लूँगा, छोड़ूंगा नहीं, मुझसे टक्कर लेता है, जानता है मैं कौन हूँ, ऐसी वाणी बोलता है। ठीक है, तो ये क्या है? द्वेष है। हाँ जी, ताप दुख है, द्वेष ताप दुख है और क्या। तो द्वेष जो है वो भयंकर है। जब द्वेष उभरता है तो मन में शांति नहीं रहती, और लंबे काल तक तो द्वेष करेंगे तो उसे में दर्द बना रहता है, माइग्रेन तक पहुंच जाएगा। वो द्वेष तनाव उत्पन्न करता है, माइग्रेन उत्पन्न करता है। तो द्वेष को हटाए। तो द्वेष क्यों होता है? जब अविद्या है, अविद्या है द्वेष का मूल कारण है। और द्वेष किससे होता है ये भी ध्यान रखना। लगभग द्वेष उसी से होता है जो आपके समान गुण है, समान साथी है या सहपाठी है या सहकर्मी है, उससे द्वेष होता है। जिसके साथ आपका संबंध ज़्यादा रहता है, जो आपके समकक्ष होता है, तो एक व्यापारी है और दूसरे व्यापारी से द्वेष करता है। एक खिलाड़ी है, भाई वो अधिक रन बनाता है, उसका नाम ज़्यादा हो रहा है, मेरा नाम क्यों नहीं हो रहा है, वो द्वेष करता है। एक बहुत बड़ा धनवान है और दूसरे धनवान से द्वेष करता है। एक किसान है, दूसरे किसान से द्वेष करता है, उसका फसल बहुत बढ़िया हुआ है, अनाज बहुत प्राप्त किया है और मैं अधिक प्राप्त नहीं कर पाया। तो दूसरों की बढ़ती से वो द्वेष करता है कि उसकी उन्नति प्रगति क्यों हो रही है, मेरी क्यों नहीं हो रही है। ठीक है, तो द्वेष हमेशा समकक्ष में होता है। ऐसे जो सहपाठी हैं, विद्यार्थी हैं, वो भी आपका द्वेष करते हैं। आत्मनिरीक्षण करेंगे तो हटा पाएंगे इसको। तो द्वेष को अगर हटाना है तो गायत्री जप करें, ओम का जप करें और आत्मनिरीक्षण भी करें, और इससे होने वाली हानि पर विचार करें कि मैं द्वेष करूँगा तो कितनी हानियाँ होंगी, मेरा मोक्ष कभी नहीं हो पाएगा। और जिसके पीछे द्वेष भाव रखेंगे उसकी तो हानि कुछ होती नहीं है, अपनी हानि होती है। आप जिससे द्वेष करेंगे उसकी हानि क्या होगी? आप मन में द्वेष करते रहो, उसके लिए कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसको हानि नहीं पहुँचेगी। हाँ, आप मारेंगे पीटेंगे तो उसकी हानि होगी। ठीक है, अगर आप मन में द्वेष भाव रखें तो जिसके पीछे द्वेष भाव रखें उसकी कोई हानि नहीं होती है। हानि तो आपकी अपनी हो रही है, आपके मन में शांति आती है। तो द्वेष क्या है? दूसरों का अनिष्ट चिंतन करना, दूसरे की हानि चाहना, यह द्वेष है। नुकसान करना उसका, यह द्वेष है। ये क्यों पैदा होता है जी? अविद्या से पैदा होता है। और किसके प्रति होता है? अपने समकक्ष व्यक्ति से ये होता है। जैसे कि एक विद्यार्थी अपने गुरु से लगभग द्वेष नहीं करता है, लगभग समानता नहीं होती है, लेकिन जब वो गुरु से बराबरी का समझता है या गुरु को बराबर का मान लेता है तो उसे भी द्वेष करता है। अपने को बड़ा मानता है गुरु जी से, नहीं मैं जानता सिर्फ हूँ, तो गुरु को भी अपने से कम मानता है तो उसे भी द्वेष करेगा। फिर या अपने बराबरी के मानता है, जैसे गुरु जी मैं भी तो ऐसा हो गया हूँ, मैं भी इतना जानता हूँ, तो अपनी बुद्धि को उनके समान मानता है तो उसे भी द्वेष करेगा। फिर अविद्या आ गई। तो इसको कम कैसे करें? अविद्या को, ये अविद्या को भी और द्वेष को भी, तो तत्वज्ञान प्राप्त करें, जप ध्यान बढ़ाएं, गायत्री जब खूब करें द्वेष खत्म होगा, उनका जब करें तो भी द्वेष खत्म होगा, स्वाध्याय करें, सत्संग करें तो भी द्वेष खत्म होगा, और वाणी में मधुरता लाएं, प्रेम लाएं, द्वेष से बच जाएंगे। सबका हित चाहें, सबका ही शुभ चिंतन करें, सबका शुभ चिंतक बने, अनिष्ट करे चिंतन न करें, द्वेष से बच जाएंगे। और द्वेष से होने वाले हानियों पर भी चिंतन करें, अगर द्वेष करूँगा तो मेरे लिए घातक होगा ये। तो ऐसे आप जो चिंतन करेंगे द्वेष से होने वाले हानियों पर, तो द्वेष से बच पाएंगे।